न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में। सिरसा के अनाज मंडी की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे सरसों की आवक है वो शुरू हो गई है। और जी हां, हम आपको बता दें कि इस बार सिरसा ज़िला, जिसकी सीमा राजस्थान और पंजाब के साथ लगती है, सिरसा ज़िला जो कॉटन की बेल्ट कहा जाता है, जहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है, इस बार यहाँ पर सरसों की खेती है वो सबसे ज़्यादा की गई है। और सरसों की आवक है वो उम्मीद से कहीं ज़्यादा है वो मिल रही है। पिछली बार किसानों को सरसों के रेट अच्छे मिले, इस बार किसानों ने सरसों की बिजाई ज़्यादा की। और ये जो रेतीली ज़मीन है, जहाँ पे चाहे हम बात करें एलनाबाद की, नाथूसरी चोपटा की बात करें, सिरसा की बात करें, गोरीवाला डबवाली, ये जो इलाका है जहाँ से रेतीली ज़मीन है वहाँ पे सरसों है वो काफ़ी जो है मात्रा में बीजी गई है और आवक भी सरसों की है वो अच्छी निकल रही है। किसानों का ये मानना है कि पिछली बार भी उनको जो सरकारी खरीद थी उससे कहीं ज़्यादा रेट मिले और इस बार भी ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। जो सरकारी रेट है वो 5000 प्लस है, जबकि किसानों को प्राइवेट जो व्यापारी हैं वो उनकी सरसों हैं वो करीब 6500 के करीब ले रहे हैं, यानी कि उनको मुनाफा हो रहा है। और कुछ किसान हैं, क्योंकि पिछले साल जो है रेट 10000 के करीब भी पहुंच गए थे सरसों के, क्योंकि पिछली बार बिजाई नहीं थी सरसों के तेल, क्योंकि सरसों से सरसों का तेल और कई चीज़ जैसे खल वगैरह है तो कई चीज़ निकलती है, इनसे प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो है इसके रेट है वो पिछली बार ज़्यादा रहे, इस बार भी किसान ये उम्मीद जता रहे हैं कि रेट 10000 के पास हो सकते हैं। जो बड़े ज़मींदार हैं, जो बड़े किसान हैं, जिन्होंने 30 से ज़्यादा एकड़ में सरसों की बिजाई की है, उन्होंने अपना सरसों स्टॉक भी कर लिया है, क्योंकि वो अच्छे रेट के इंतज़ार में है। लेकिन आम जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, खास करके 3 से 4 एकड़ के जो किसान हैं जिन्होंने अपनी सरसों की बिजाई की थी, उनकी आवक है वो मंडियों में आनी शुरू हो गई है और उनको अच्छे रेट मिल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त नेजिया गांव के किसान जुड़े हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? अनिल कड़वासरा, गांव नेजिया खेड़ा, जिला सिरसा जी। जी सर, कितने एकड़ में आपने बिजाई की थी सर? 8 एकड़ में बिजाई की थी। तो झाड़ क्या निकला, यानी उत्पादन है वो कितना करा? 18-19 मण के करीब एकड़ का एवरेज निकली है जी सभी। हाँ, और भाव ठीक है, सरकारी रेट से ऊपर मिल रहा है, लगभग 6200-6600-6500 तक हाई रेट चल रहे हैं जी। भाव ठीक है, सरकार से अच्छा है प्राइवेट का। तो इस बार चूंकि पिछली बार 10000 के करीब भी भाव पहुंच गए थे, तो इस उसको लेकर के काफ़ी किसानों ने ज़्यादा सरसों बीजी, गेहूं की अपेक्षा? हाँ, बिजाई ज़्यादा है सरसों की जी, जी। स्टॉक भी कर रहे हैं लोग, आगे आने वाले टाइम में अच्छे भाव की उम्मीद रख रहे हैं और भी जी। क्योंकि तेल का उत्पादन सरकार की मांग ज़्यादा हो रही है, इसलिए सरसों की बिजाई अत्यधिक है जी। जिस तरह से तेल के दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह से सरसों का भाव ठीक है जी। हर एक चीज़ की महंगाई देखते हुए भाव होंगे, जब भी जमींदारों को कामयाबी मिलेगी। यानी कि जो इस बार जो सरकारी रेट से ज़्यादा जो सरसों बिक रही है, इससे किसानों को फायदा मिल रहा है? हाँ, फायदा मिला, संतुष्ट है किसान उससे जी। हाँ, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान जुड़े नेजिया गांव के। तो लगातार हमारे साथ बने रही है, क्योंकि कल 1 अप्रैल है और कल चूँकि गेहूँ की खरीद भी है वो शुरू हो जाएगी। उससे पहले हालांकि अभी तक गेहूं है वो अनाज मंडी में आना शुरू नहीं हुआ है, गेहूं पक कर के पूरी तरह से तैयार है। गेहूं को लेकर क्या कहना चाहेंगे, गेहूं की जो फसल है वो पकने के लिए तैयार है, कितना टाइम लगेगा उसको? 8-10 दिन लग जाएंगे जी गेहूं मंडी के आने के करीब, अभी कच्ची है थोड़ी जी। गेहूं की उपज ठीक है, लेकिन गेहूँ अब की बार बहुत कम है पिछली बार से। अब क्या कम है? हाँ, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है, कितना गेहूँ है वो प्रति एकड़ के हिसाब से एवरेज क्या रहने वाला? लगभग 20 क्विंटल के करीब एवरेज रहेगी जी गेहूँ की। ठीक, ज़्यादा अच्छी भी नहीं रहेगी लेकिन ठीक रहेगी, यानी ठीक ठाक ही रहेगी। ठीक ठाक रहेगी जी, धन्यवाद। तो किस तरह से गेहूं, हालांकि करीब 5-6 दिन लग जाएंगे गेहूं मंडियों में आने के लिए, लेकिन गेहूं है वो पक रही है अभी। जो गेहूं का जो तना है वो, हालांकि फली है वो पक चुकी है, गेहूं का जो तना है वो अभी कच्चा है और उसको पकने में अभी 5 या 6 दिन का समय और लगेगा। जिस तरह से गर्मी पहले दस्तक दे दी गर्मी ने, उसी तरह से सरसों की फसल की जो है आवक है वो शुरू हो गई है मंडियों में और गेहूं भी समय से पहले है वो आ जाएगी, ऐसा उम्मीद की जा रही है। इस बार रेट भी किसानों को अच्छे मिल रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।